हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं अभिप्रेरणा के जो सिद्धांत दिए हैं वो क्या क्या है, उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन से वैज्ञानिक ने कितने सिद्धांत दिए हैं और ये यूपी टेट में आते हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया है अभिप्रेरणा के बारे में, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट आप देख रहे हो यहाँ पे आया है कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का मतलब होता है इंस्टिंक्ट, इंग्लिश में कहते हैं ये इंस्टिंक्ट होता है। इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कहा जाता है जिसे। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है जो इननेट बिहेवियर होता है, जो जन्मजात बिहेवियर होता है, जो जन्मजात बिहेवियर होता है, जन्मजात जो हमारी क्षमताएं होती हैं उनको कहा गया है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। तो इस ये सिद्धांत क्या कहता है, ये किसने दिया था? ये सिद्धांत जो दिया था, इस सिद्धांत के अनुसार ये सॉरी एक सेकंड, कुछ गड़बड़ आ रही है। सॉरी गाइस, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए पीपीटी खुल नहीं रहा था। इसमें आप देख सकते हो कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, ये मोटिवेशन या अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने किया था। किसने किया था? मैकडूगल। ये बस आप इतने याद कर लो कि मूल प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, जो हमारा जन्मजात बिहेवियर होता है, जन्मजात क्षमताएं होती हैं उनको मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत या इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कहा जाता है। और ये थ्योरी दी थी मैकडूगल ने। यूपी टेट में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होती है, उसकी मूल प्रवृत्तियों के पीछे संवेग छिपे होते हैं। मूल प्रवृत्तियाँ क्या हो सकती हैं? जैसे कि आप क्रोध दिखाते हो, क्रोध आपका क्या है? एक संवेग है। क्रोध क्या है? आपका संवेग है। मूल प्रवृत्ति क्या होती है? भय वगैरह आप दिखाते हो, आप में डर होता है, ये सारी आपकी इमोशंस होती हैं। तो जब हमारी संवेग मतलब इमोशन पे ही हमारा मूल प्रवृत्तियाँ डिपेंड होता है, ये हमारी जन्मजात क्षमताएं होती हैं। हम गुस्सा करते हैं, बेबी चिल्लाता है, कोई बच्चा चिल्लाता है, और तो ये सारी हम जो अपने इमोशंस दिखाते हैं ये सारी मूल प्रवृत्तियाँ इन्हीं पे डिपेंड होती हैं। तो मूल प्रवृत्ति मतलब संवेग पे ही डिपेंड होता है कि अगर संवेग हो ज़्यादा होगा तो मूल प्रवृत्ति भी आती है। हम नर्वसनेस हो जाते हैं, हम थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि ये जो नर्वसनेस है आपका, ये आपका एक मूल प्रवृत्ति है, आपके अंदर की एक क्वालिटी है जो आपको सिखाई नहीं जाती लेकिन आप दिखाने लगते हो। तो ये जो होता है ये डर की वजह से नर्वसनेस होती है। तो डर क्या होता है? एक इमोशन होता है, जो आपका नर्वसनेस हो रहा है, आप काँप रहे हो, ये आपकी मूल प्रवृत्ति हो गई। तो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति बताई थी, लेकिन हमें इतना डिटेल में नहीं देखना। 14 मूल प्रवृत्ति बताई थी मैकडूगल ने, हमें नहीं देखना इतना डिटेल में, क्योंकि हम यूपी टेट के से बेस पे पढ़ रहे हैं। तो यूपी टेट में ये क्वेश्चन आएगा कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको याद होना चाहिए मैकडूगल ने दिया था। और उसकी मूल प्रवृत्तियों के पीछे संवेग छिपे होते हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब आपके अंदर कोई भी अगर कोई कार्य करना है, आपको प्रेरणा मिलती है तो आपकी मूल प्रवृत्ति की वजह से मिलती है। अब जैसे चिड़िया उड़ती है, तो ये चिड़िया का मूल प्रवृत्ति है, उसको सीखने की ज़रूरत नहीं होती, वो उसमें उड़ना एक मूल प्रवृत्ति है, उसका एक जन्मजात लक्षण है। अगर हम कुत्ते को देखते हैं कि कुत्ता भीग जाता है तो अपने अपने सर को ऐसे हिला हिला के अपनी बॉडी को हिलाता है ताकि उसका पानी उसके शरीर से निकल जाए, तो ये सीखने की ज़रूरत नहीं होती। मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? ये जन्मजात होती हैं, इननेट बिहेवियर होता है, आपको इसको सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। सीखने वाला बिहेवियर नहीं होता, जो आप में जन्म से ही आ जाता है, मतलब बॉर्न बर्थ के टाइम से ही होता है। तो इसमें ये कह रहा है कि आपकी जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं आपको मोटिवेट करती हैं किसी कार्य को करने के लिए। तो ये जो सिद्धांत दिया था मैकडूगल ने दिया था, ये आप नोट कर लो। उसके बाद दूसरा देख, साइको एनालिटिक थ्योरी होती है। साइको एनालिटिक थ्योरी होती है ये, और साइको एनालिटिक थ्योरी को हम कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्या होता है ये? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसे साइको एनालिटिक थ्योरी कहते हैं। यह सिद्धांत किसने दिया था? ये मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने दिया था। फ्रायड, यहाँ पे आप देखो फ्रायड ने दिया था, फ्रायड ने ये सिद्धांत दिया था। ये भी आ सकता है, पूछेगा कि साइको एनालिटिक थ्योरी या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको बताना होगा ये फ्रायड ने दिया था। इसमें आपको साइको से समझ आ रहा है मन मुँह, मतलब आपके दिमाग बुद्धि से है। एनालिटिक मतलब होता है विश्लेषणात्मक।
तो इसमें क्या कह रहा है, इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाली प्रेरणा का दो मूल कारक होते हैं। इन्होंने दो मूल कारक बताए हैं जो एक इंसान को अभिप्रेरणा को मतलब मोटिवेट करता है, अभिप्रेरणा देता है। तो इसमें इन्होंने मूल प्रवृत्तियाँ बताई है। मूल प्रवृत्तियाँ जैसे उन्होंने बताया था, मैकडूगल ने 14 बताया था, इन्होंने भी मूल प्रवृत्ति बताई है जो एक इंसान को मोटिवेट करती है, और अचेतन मन मतलब अनकॉन्सियस माइंड को बताया है इन्होंने। तो इन्होंने मूल प्रवृत्ति में क्या बताया है, दो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। फ्रायड ने दो मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं, ये हैं फर्स्ट हैं फर्स्ट है जीवन मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति संरचनात्मक व्यवहार की ओर प्रवृत्त करती है, मतलब ये स्ट्रक्चरल व्यवहार की ओर प्रवृत्त करती है, मतलब आपको मोटिवेट करती है। ये जीवन मूल प्रवृत्ति होती है। मूल प्रवृत्ति को उन्होंने दो भागों में बांटा था। दूसरा है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, मतलब ये मृत्यु मूल प्रवृत्ति आपको विध्वंसात्मक व्यवहार की ओर प्रवृत्त करती है, मतलब गंदे व्यवहार की तरफ आपको मोटिवेट करती है। तो दो तरह की होती हैं, तो आप बस नाम याद करना, इतना डिटेल में नहीं है। और फिर होता है अंतर्नोद का सिद्धांत। अंतर्नोद का सिद्धांत को इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव, इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव, क्या कहते हैं ड्राइव रिडक्शन, री यहाँ जगह नहीं है, एक सेकेंड, और री डी आर ई टी यू सी रिडक्शन, TION लिख देना आप यहाँ पे, एन एन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको ड्राइव रिडक्शन थ्योरी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, और इसे हिंदी में कहते हैं अंतर्नोद का सिद्धांत। तो ड्राइव का मतलब आ रहा है हंगर, भूख हो सकता है, ड्राइव का मतलब क्या है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी हम लेते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सी एल हल ने किया था, या क्लार्क एल हल ने किया था जिसे कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य में तनाव पैदा करती हैं। शारीरिक आवश्यकताएं मतलब उसकी नीड्स, आवश्यकताएं जो होती है, बायोलॉजिकल नीड्स हो सकती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स हो सकती हैं। तो जो भी आवश्यकताएं हैं मनुष्य में एक टेंशन देती है, मनुष्य को एक टेंशन या तनाव पैदा करती है, स्ट्रेस देती है, जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में अंतर्नोद कहते हैं। अंतर्नोद का मतलब ड्राइव रिडक्शन कहते हैं, मतलब कोई ऐसी फिजियोलॉजिकल नीड होती है, जो बायोलॉजिकल नीड होती है मनुष्य के अंदर की, वो क्या करती है मनुष्य में स्ट्रेस पैदा करती है कि हाँ मेरी ये ज़रूरत है, मुझे पूरी होनी है। अब जैसे इसमें बहुत कुछ आ सकता है, जैसे यह एक अंतर्नोद की मनुष्य की विशेष प्रकार के कार्य करने की, मतलब ये जो होता है ड्राइव रिडक्शन आपको क्या करता है, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे आपको भूख लगी है, तो आपको भूख लगी है तो आपको खाना बनाना पड़ेगा कि मुझे भूख लगी है। अगर आपके पास कुछ नहीं, लेकिन आपके पास अगर किचन है, आपके पास रसोई घर है, आप सोचोगे खाना बनाऊंगा, क्योंकि आपको ये मोटिवेट कर रही है कि आपको भूख लगी है। तो आपको ये फिजियोलॉजिकल नीड होती है वो आपको मोटिवेट करती है। भूख हो सकता है, आप प्यास हो सकता है, पानी लगती है तो आप पानी लेने जाते हो। तो ये सारी आपकी अंदर की जो उद्दीपक होते हैं, अंदर के जो उद्दीपक होते हैं आपको किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक लालच होती है, जैसे आपकी आवश्यकता होती है, अब आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो आप करते हो काम, क्योंकि आप अपनी भूख को मिटाना है तो आप भूख मिटाने के लिए अपने काम को करोगे। तो ये एक प्रकार का अंतर्नोद का सिद्धांत ही है, ये ड्राइव डिडक्शन थ्योरी ही है, और इस थ्योरी को दिया था क्लार्क हल ने दिया था, ठीक है। आपको फिर सेकेंड, उसके बाद आता है प्रोत्साहन सिद्धांत। प्रोत्साहन सिद्धांत को हम इंग्लिश में कहते हैं इंसेंटिव थ्योरी, यहाँ पे मैं साफ लिख देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत आए, NCENTIVE क्या होता है, इंसेंटिव थ्योरी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। अब इसमें इंसेंटिव थ्योरी में क्या कह रहा है, इसे हिंदी में प्रोत्साहन सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादक बोल्स तथा कॉफमैन ने किया था। किसने किया था, बोल्स तथा कॉफमैन ने किया था, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में स्थित वस्तु तथा क्रिया से प्रभावित होकर कोई भी क्रिया करता है। मतलब इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, एक लालच है, एक रीइन्फोर्समेंट है, एक लालच होता है जो इंसान को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। अब ये वातावरण में कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लालच दे रही है, इंसेंटिव का मतलब आपको रीइन्फोर्स कर रही है, आपको पुनर् मतलब रीइन्फोर्स मतलब लालच दे रही है। तो ऐसी चीज़ों को
जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, तो आपको वो चीज़ें मोटिवेट करती हैं कार्य करने के लिए। और ये क्या हो सकती हैं आगे मैं बताऊंगी। पर्यावरण के इन सभी तथ्यों को इन्होंने प्रोत्साहन माना है, मतलब जो ऐसी चीज़ें जो आपको मोटिवेट करती हैं, आपको लालच देती हैं और कार्य करने के लिए मोटिवेट करती हैं, वो प्रोत्साहन माना जाता है, उन्हें प्रोत्साहन माना जाता है, उन्हें इंसेंटिव माना जाता है। और इनके अनुसार प्रोत्साहन दो प्रकार के होते हैं, इनके अनुसार प्रोत्साहन दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक प्रोत्साहन हो सकता है, ऋणात्मक प्रोत्साहन। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट पढ़ा है आपने, उसी तरह धनात्मक इंसेंटिव हो सकता है, पॉजिटिव इंसेंटिव हो सकता है। पॉजिटिव इंसेंटिव क्या, भोजन पानी का लालच आपको किसी कार्य को करने के लिए कर रही है, तो ये हो सकता है। दूसरा है ऋणात्मक प्रोत्साहन, जैसे आपको पेनाल्टी या दंड किसी देना पड़ता है, तो आपको वो भी एक नेगेटिव इंसेंटिव मिल रहा है, आपको कार्य करने के लिए वो मोटिवेट कर रहा है कि आज मुझे पनिशमेंट मिली है तो मैं कल कार्य करूँगा, वो काम करूँगा। तो आपको ये दो प्रकार की होती है प्रोत्साहन। अब ये पूछा आप क्वेश्चन, आपके दिमाग में हो रहा है कि फिर इसमें और प्रोत्साहन और ड्राइव रिडक्शन जो अंतर्नोद का सिद्धांत था, उसमें अंतर क्या हो सकता है। वो भी तो एक स्टिमुलस आपको मोटिवेट कर रही थी, इन दोनों में अंतर ये है, ये बाहरी स्टिमुलस होता है, जो बाहरी उद्दीपक होते हैं और आंतरिक उद्दीपक दोनों होते हैं, लेकिन जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी थी, जो अंतर्नोद का सिद्धांत था जिसे हल ने दिया था, उसमें ये अंतर था कि वो आंतरिक स्टिमुलस थी, अंदर की स्टिमुलस जो हमें कार्य करने के लिए मजबूर करती थी। लेकिन इसमें हम दोनों स्टिमुलस की बात कर रहे हैं, बाहरी और आंतरिक, आपको दोनों चीज़ें आपको कार्य करने के लिए मोटिवेट करती हैं, तो दोनों में ये अंतर आ सकता है कि प्रोत्साहन और अंतर्नोद का जो सिद्धांत है उसमें क्या अंतर है। उसके बाद एक और थ्योरी है शरीर क्रिया सिद्धांत। शरीर क्रिया सिद्धांत का मतलब, ये प्रतिपादक थे मॉर्गन, ये इतना नहीं पूछता है लेकिन एक बार देख लेते हैं कि अगर नाम पूछ लेता है कि शरीर क्रिया सिद्धांत किसने दिया था, तो इसके अनुसार मनुष्य में अभिप्रेरणा किसी बाह्य उद्दीपक द्वारा उत्पन्न नहीं होती। इसमें ये कह रहा है कि अपितु तो इसके शरीर के अंदर के तंत्रों में होने वाले परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। अब ये तंत्रों की बात ही, अभी तक हम ड्राइव का पढ़ रहे थे कि अंदर जो ड्राइव होती है, जो भूख होती है, अंदर जो चीज़ें होती हैं वो हमें मोटिवेट करती है। अंतर्नोद का पढ़ा था हमने हल्का, इसमें क्या कह रही है, जो तंत्रों में चेंज होता है, तंत्रों में क्या चेंज हो सकता है, हॉर्मोन्स का चेंज हो सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है, ग्लैंड्स में चेंज हो सकता है, हमारे बॉडी के अंदर जो चेंजेस होती हैं, तंत्रों में जो चेंजेस होती हैं वो हमें मोटिवेट करती हैं, इसलिए इसे शरीर क्रिया का सिद्धांत दिया गया है, और इस सिद्धांत को दिया था मॉर्गन ने। उसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, मांग सिद्धांत, क्रमिक सिद्धांत या मैस्लो का पदानुक्रमित सिद्धांत या पदानुक्रम सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में क्या जाता है, ये इसको इंग्लिश में कह सकते हैं नीड्स हायरार्की, एच यहाँ आ नहीं रहा है, कैसे लिखूँ मैं यहाँ पे, इसको कहते हैं नीड्स हायरार्की, आप लिख सकते हो एच यहाँ पे, HIERARCHY क्या होता है, हायरार्की, इसको नीड्स हायरार्की थ्योरी ऑफ कहते हैं मैस्लो, मतलब मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, यूपी टेट के एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी, ये पूछता है। और इसको हिंदी में आप मांग का सिद्धांत कहते हैं, क्रमिक सिद्धांत कहते हैं, मैस्लो का पदानुक्रमित सिद्धांत या नीड्स हायरार्की थ्योरी कहते हैं। इसका प्रतिपादन किसने किया था, मैस्लो ने किया था, क्या किसने किया था, मैस्लो ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का व्यवहार उसकी आवश्यकताओं से प्रेरित होती है। अब सब थ्योरी आप देख रहे हो कि आवश्यकताओं पे ही है, कि मनुष्य की ज़रूरतों के लिए ही कोई चीज़ आपको प्रेरित कर रही है, कोई चीज़ आपको प्रेरणा दे रही है, तो मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है, आपकी ज़रूरतों से मिल रहा है। तो मैस्लो ने आवश्यकताओं को एक विशेष क्रम ये निम्न से उच्च की ओर प्रस्तुत किया, मतलब इन्होंने आवश्यकताओं को, कि कैसे कैसे हमारी आवश्यकताएं हैं और उनके अनुसार हमें प्रेरणा मिलती है, उन्होंने एक स्तर बताया, एक लेवल में मेंटेन किया है, कि लेवल कैसे होता है वो हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू देखेंगे। तो मनुष्य जब तक एक ही स्तर की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर लेता तथा दूसरी आवश्यकता की पूर्ति को नहीं बढ़ता, मतलब उसको है कि आज मेरी ये आवश्यकता पूरी होगी, फिर मैं ये करूँगा, फिर ये करूँगा, तो एक एक लेवल होता है कि ऊपर से नीचे ऐसे जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, तो जब तक उसकी एक आवश्यकता पूर्ति नहीं होती वो दूसरे के लिए मोटिवेट नहीं होता, तो इसमें ये कहा गया है। तो इसमें मैस्लो ने पांच स्तर बताए हैं, पांच प्रेरक बताए हैं जो उनके मोटिवेशन के थे। इन्होंने पहला है, व्यक्ति को सबसे निचले स्तर पर अपने प्राथमिक क्या होती है, शारीरिक, जिसकी फिजिकल आवश्यकताओं को पूरा करने योग्य होना चाहिए, मतलब अपनी
फिज़िकल जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करनी जानी चाहिए। जब एक बार वो आ सकते हैं पूरी हो जाती हैं तब सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब दूसरा बता रहा है कि ये देखो फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात की है पहले, उसके बाद दूसरा बोल रहा है सेफ्टी, सुरक्षा। वो चाहता है कि जब मेरी मतलब फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो जाती है, तो वो आवश्यकता भूख प्यास सब पूरी हो जाती है, तो वो अब चाहता है अपनी सेफ्टी सुरक्षा चाहता है। उसके बाद आती है सामाजिक आवश्यकताएं। सामाजिक आवश्यकता तीसरे नंबर का है। सामाजिक आवश्यकता का मतलब होता है लव एंड बिलोंगिंग, मतलब लव और बिलोंगिंग। वो लोगों के साथ प्यार से रहना चाहता है, लोगों के साथ रिश्ता बनाना चाहता है। तो इसके बाद आता है आत्म, उसके बाद आता है कि सम्मान की आवश्यकता, आवश्यकताएं सम्मान की आवश्यकताएं आत्मसिद्धि आदि। सम्मान का मतलब होता है कॉन्फिडेंस, जिसे इस्टीम कहते हैं। इस्टीम का मतलब होता है कि वो आत्मसम्मान चाहता है वो। ये सारी आवश्यकताएं चौथे नंबर की हैं। उसके बाद आता है आत्मसिद्धि, मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब अपनी सही गलत की पहचान करना, अपने आप को सही गलत की तरफ बताना, ये होता है। अब यहाँ पे ये देखो आप लिखा हुआ है पूरा सीक्वेंस में। पहला स्तर क्या मैंने बताया था, शरीर की आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं में क्या हो सकता है, भूख प्यास। तो ये पांच स्तर, ये भी यूपी टेट के क्वेश्चन में आया था कि इसको अरेंज करिए एक सीक्वेंस में। तो एक पिरामिड आता है, पिरामिड बनाएंगे आप, एक त्रिभुज में आएगा, आपको नीचे से ऊपर जाना होगा। कैसे जाना होगा, नीचे से ऊपर। अभी मैं एक दिखाऊंगी आपको जिसमें ये मैंने मेंशन किया हुआ है। तो शारीरिक आवश्यकताएं क्या होती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड होती हैं। फिजियोलॉजिकल जो होती हैं भूख प्यास हो सकता है। दूसरा इन्होंने सुरक्षा की बताया, रक्षा की आवश्यकता होती है। तीसरा इन्होंने समाज की आवश्यकता, मतलब लव एंड बिलोंगिंग्स, मतलब प्यार और स्नेह से जुड़े रहने की आवश्यकता होती है। तीसरा है ये आवश्यकता। फिर चौथा जो स्तर बताया इन्होंने, सम्मान की आवश्यकता, मतलब सेल्फ स्टीम, मतलब आत्मसम्मान पहचान के लिए ये मोटिवेशन मिलता है। लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पे एक लास्ट में मैंने ऐड किया था, यहाँ देख सकते हो। हाँ, इस पिरामिड के थ्रू, ये त्रिभुज में जो बना हुआ है, तो आप पहला लास्ट आप नीचे से ऊपर जाओ। ठीक है, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, इसमें क्या दिखा रहा है, फर्स्ट आपका है फिजियोलॉजिकल नीड्स, इसमें आपकी ब्रीदिंग, फूड, वाटर, स्लीप, होम्योस्टेसिस, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें आती है जो आपको फिजियोलॉजिकली शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं वो आती हैं। दूसरा इन्होंने क्या लेवल बताया है, सेफ्टी। सेफ्टी में आपकी आती है सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ऑफ मोरालिटी, ऑफ द फैमिली, और हेल्थ एंड प्रॉपर्टी की जो आपकी सेफ्टी है वो आती है। उसके बाद थर्ड है लव एंड बिलोंगिंग्स, जिसे हमने बोला था सामाजिक, मतलब सामाजिक संबंध, सामाजिक मतलब समाज से रिश्ता कैसा हो, फ्रेंडशिप, फैमिली, ये सारी चीज़ें आती हैं, ये इसमें लव एंड बिलोंगिंग में आती है। फिर आता है एस्टीम। एस्टीम में आपकी अचीवमेंट, कॉन्फिडेंस, रिवॉर्ड, रिस्पेक्ट, ये चाहते हो कि आपको मिले, तो ये आपको मोटिवेट करता है। लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें आप चाहते हो कि आत्मसिद्धि का मतलब होता है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, लैक ऑफ मतलब जो भी एक्सपेक्टेशन हो, एक्सपेक्टेशन मतलब एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो चाहते हैं पूरी हो जाए। आप चाहते हो कि सही गलत मिले, आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, मतलब आत्मसिद्धि, आत्मसिद्धि की बात की गई है इसमें। तो ये आपको एक यूपीटेट में ऐसे आ सकता है कि इसको अरेंज करिए इस सीक्वेंस में। तो आपको पहला बताना है फिजियोलॉजिकल, दूसरा सेफ्टी, लव बिलोंगिंग, स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो पांच लेवल बताया है इन्होंने मोटिवेशन के, जो लेवल बताए हैं ये जो थ्योरी दी है इन्होंने आवश्यकता वाली, इसमें पांच लेवल बताए हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप याद कर लेना ये टेबल देख के। उसके बाद लास्ट देखेंगे हम, ये भी क्वेश्चन आया था, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत, जो विक्टर ब्रूम का सिद्धांत था, ये यूपीटेट के क्वेश्चन पेपर में आया था। और ये प्रत्याशा मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशंस ही कहते हैं जिसे, एक्सपेक्टेशन थ्योरी ऑफ मतलब एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ विक्टर ब्रूम का आता है, जिसे एक्सपेक्टेशन या प्रत्याशा कहते हैं। तो विक्टर ब्रूम ने अभिप्रेरणा के प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये पूछा था कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी या एक्सपेक्टेशन की थ्योरी किसने दी थी, मोटिवेशन की जो थी, तो इसमें उन्होंने विक्टर ब्रूम ने दी थी। यह सिद्धांत प्रयास, निष्पादन तथा प्रतिफल में संबंध बताता है। प्रयास क्या होता है, एफर्ट्स। प्रयास को हम कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेंसी होती है। दूसरा निष्पादन,
दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंटैलिटी। इंस्ट्रूमेंटैलिटी क्या होती है? कृतव्य, मतलब हम डिज़ायर, अगर हमको रिजल्ट मिल जाता है कि अगर हम कोई काम ऐसा चाहते हैं और उसका हमें डिज़ायर रिजल्ट मिल जाता है, मतलब वो कार्य से हमें फ़ायदा होता है, मतलब अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं और हम हार्ड वर्क कर रहे हैं और हमको उसका रिजल्ट अच्छा मिला, वो डिज़ायर मतलब अपनी इच्छा के अनुसार मिलता है, तो उसको हम कृतव्य कहते हैं, मतलब उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। लास्ट होता है सामर्थ्य, बैलेंस। बैलेंस का होता है कि जो हमें वो रिवॉर्ड मिलता है, रिवॉर्ड हमें ऑफिस में अगर बोनस मिलता है, तो ये सारी चीज़ें बैलेंस में आती हैं कि हमें सामर्थ्य जो मिलता है। तो इनमें तीन श्रेणियों के संबंध बताया गया था जो इस प्रकार हैं। ये पहला तो है प्रयास निष्पादन संबंध, एफर्ट्स परफॉर्मेंस रिलेशन, या किसी व्यक्ति द्वारा मान्यता होती है कि उसके प्रयास का उसे निष्पादन और ले कि जाएंगे, हम हमें प्रत्याशा के बारे में बताती है, मतलब एक्सपेक्टेशन के बारे में बताती है कि वो किसी चीज़ को करने की उम्मीद करता है कि उसका ये रिजल्ट आना चाहिए, तो वो होता है एक्सपेक्टेशन। तो प्रत्याशा से आशा है कि प्रयास निष्पादन और परिणाम की ओर ले जाएगा, या आत्म प्रभावित पर आधारित होता है, सेल्फ इफ मतलब आत्म प्रभावित पर आधारित होता है, मतलब वो होता है कि हम डिज़ायर, मतलब हम सोचते हैं, एक्सपेक्टेड क्या होता है कि हम सोचते हैं कि ये हमारी एक्सपेक्टेशन से ही इतना ही है, मैं इतना कर लूँगा, तो ये वाली जो आती है ना, इसमें आती है। तो दूसरा क्या है? निष्पादन प्रतिफल संबंध, परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड रिलेशन। अब प्रतिफल का इसमें इंस्ट्रूमेंटैलिटी बताया मैंने कि इसमें क्या होता है कि अगर आपको डिज़ायरेबल आपके काम का वो फ़ायदा मिलता है कि आपको डिज़ायरेबल आपका काम हो गया, मतलब आपको किसी हार्डवर्क किया और आपका रिजल्ट अच्छा आया, तो आप क्या करते हो कि उस कार्य से और मोटिवेट होते हो, तो ये परिणाम की ओर ले जाता है, उसका रिजल्ट बताता है हमें। उसके बाद हमें कह रहा है कि प्रतिफल व्यक्तिगत लक्ष्य संबंध, मतलब रिवॉर्ड्स पर्सनल गोल रिलेशन है, प्रत्येक व्यक्ति को विश्वास होता है कि उसके प्रयास उसके निश्चित परिणाम की ओर ले जाएंगे, ठीक है। तो परिणाम की शक्ति या प्रत्याशा जितनी अधिक होती है, अभिप्रेरणा का स्तर भी उतना अधिक होता है। अब परिणाम का मतलब होता है कि अगर उसका जो परिणाम रिजल्ट आता है, बोनस मिलता है, अगर किसी एम्प्लॉई है और उसने काम अच्छा किया, उसको रिवॉर्ड मिला, तो अगर उसका अच्छा होता है तो हमें मोटिवेशन और मिलती है, जिसे हम सामर्थ्य कहते हैं, जिसे बैलेंस कहते हैं, बैलेंस कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा सामर्थ्य, कर्तव्य और प्रत्याशा का मिश्र परिणाम है। इन्होंने तीन लेवल बताया था, इन्होंने तीन कंपोनेंट्स बताए थे, सॉरी तीन तत्व बताए थे इस सिद्धांत में। इन्होंने पहला एक्सपेक्टेशन बताया था, दूसरा था इंस्ट्रूमेंटैलिटी, तीसरा था वैलेंस, यानी सामर्थ्य, कर्तव्य और प्रत्याशा का मिश्रण होता है ये सिद्धांत। इसमें एक सूत्र द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है इसके, जैसे अभिप्रेरणा क्या होती है, मोटिवेशन बराबर सामर्थ्य गुणे कर्तव्य गुणे प्रत्याशा, इन तीनों का एक मिक्सचर होता है। तो ये थ्योरी किसने दी थी? ब्रूम ने दी थी। ये थ्योरी आती है एग्जाम में, जिसे अभिप्रेरणा मतलब ये एक्सपेक्टेंसी या प्रत्याशा थ्योरी कहते हैं, जो ब्रूम ने दी थी, यूपीटेट में आता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।